हुई खास सजावट से मंदिर की दिव्यता और भी बढ़ गई थी। खासकर शाम को जब सूर्यास्त के बाद रोशनी की गई, तो मंदिर की भव्यता, इस पर सजे फूल और रोशनी के संगम में इसकी भी भव्यता और दिव्यता और भी बढ़ गई थी। ये रामलला का मंदिर जो पूरी तरह से बन के तैयार है। जैसे ही आप मंदिर में दाखिल होते हैं, सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन होते हैं, जो नक्काशी की गई है कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में कुछ इस तरीके से मंदिर परिसर में दाखिल होते हैं, तो आपको भोलेनाथ के यहाँ पर दर्शन होते हैं कुछ इस तरीके से, जो नक्काशियाँ की गई हैं। जैसे और आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा मंदिर में नक्काशी के साथ में इसी तरीके के आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही हो। मंदिर को भव्य बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। तीन चरणों में बन रहे इस मंदिर के पहले तल पर ही गर्भगृह है, लेकिन गर्भगृह तक पहुंचने के लिए कई मंडपों को पार करना होगा और उन मंडपों की बनावट, नक्काशी और उस पर से फूलों की सजावट मंत्र मुग्ध करने वाली है। जैसे ही आप इस पहले हॉल को क्रॉस करते हैं, पहला हॉल पार करना है, पहला हॉल को पार करते ही लिखा हुआ है एंट्री, प्रवेश। जहां से आप प्रवेश करते हैं अंदर, अंदर प्रवेश करने के साथ ही में कुछ इस तरीके से यहां पर तस्वीरें हैं। और ये देखिए राम लला की वो मूर्त जिसको लेकर के जय श्री राम के लगातार नारे यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग, हर कोई उत्सुक है इस छवि को अपने कैमरे में, अपनी नजरों में कैद करने के लिए। मंदिर के गर्भगृह के लिए खास दरवाजे भी बनाए गए हैं, जिसे सोने से सजाया गया है। आप जब भी दर्शन करने पहुंचेंगे, यहां की दिव्यता देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आप ये देखिए, जो सोने के गेट जिनका लगातार जिक्र किया गया है, अपना यहाँ पर लिखी हुई है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। इस तरीके से पूरे मंदिर परिसर में जब आप और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से और गेट्स, जो सोने के गेट, सोने की परत वाले गेट, वो यहाँ पर आपको नजर आते हैं। इस पर आकृति उकेरी गई है, मोर की आकृति यहाँ उकेरी गई है। मंदिर के गर्भगृह में अभूतपूर्व नक्काशी की गई है। इसके मुख्य द्वार पर 100 से ज्यादा मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां संगमरमर से तैयार की गई हैं, जिन्हें बनाने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा है। आपको बता दें कि मुख्य द्वार पर भगवान राम के जन्मोत्सव की झांकी भी उकेरी गई है। ये विशेष आकृतियां जो लार्सन एंड टूब्रो ने कई जगह पर इस्तेमाल किया है रोबोट का, और रोबोट के इस्तेमाल से इन आकृतियों को बनाया है, उस पर काम किया है, नक्काशी का काम, और नक्काशी का काम करने के बाद कई जगह मैनुअल इस्तेमाल किया गया है। जो आप सामने आकृति देख रहे हैं, वो गर्भगृह के सामने भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और उस मुख्य दरवाजे से आगे बढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो सामने आपको रामलला की मूर्ति दिख जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशेष अतिथियों के लिए कपाट खोले गए, सभी ने रामलला के दर्शन किए, उसमें कुछ और लोग भी शामिल हो गए, लिहाजा मंदिर में काफी भीड़ दिखी। पहला दिन था, लिहाजा लोगों को मोबाइल भी ले जाने का मौका मिला और सभी अपने मोबाइल में रामलला और मंदिर की खूबसूरती की तस्वीरें कैद करते दिखे। जैसे ही मंदिर खुला है, वैसे ही भक्त उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है देखने के लिए, एक छवि पाने के लिए रामलला की, और देखने के लिए कि कैसे सांवले श्यामल रामलला अब विराजमान है मंदिर में। उसकी खूबसूरती तो देखते ही बनती है, लेकिन आप जब आएँ तो आपको मोबाइल की परमिशन नहीं होने वाली है, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिस पर रोक लग जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, अयोध्या, ABP न्यूज़।